सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को काइंड ऑफ किडनैप करा गया था दुनिया के पहले आईफोन बनाने के लिए। सच में दोस्तों, जब स्टीव जॉब्स ने आईफोन का आइडिया सोचा था, तब उन्होंने उस पे जल्दी से जल्दी काम करने की सोची और एप्पल कंपनी में कुछ ही लोगों को इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया और सबको स्ट्रिक्टली कहा कि हमारे इस काम के बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता चलना चाहिए क्योंकि ये एक क्रूशियल और चैलेंजिंग प्रोजेक्ट हो सकता है। लेकिन फिर एक समस्या आने लगी, टीम में कम लोग होने की वजह से फोन की डेवलपमेंट स्लो हो रही थी। तब जॉब्स ने कंपनी के टॉप एग्जीक्यूटिव्स को एक एक करके एप्पल के सीनियर डेवलपर्स के रूम में भेजा और ये एग्जीक्यूटिव्स क्या करते थे कि रूम में छुप जाते थे और जैसे सीनियर डेवलपर अपने रूम में आता था तो उसका डोर लॉक कर देते थे। अब ऐसे में गाइस कौन ही डरेगा, वो डेवलपर एकदम से शॉक हो जाते थे और उनसे उसी वक्त पूछा जाता था कि क्या तुम एक सीक्रेट प्रोजेक्ट में काम करना चाहोगे क्योंकि हमने आपके बारे में बहुत सुना है कि आप एक ब्रिलियंट इंजीनियर हो। और दोस्तों, उन्हें उसी वक्त डिसाइड करना पड़ता था कि क्या वो अपना सारा काम छोड़ के एक सीक्रेट काम पे वर्क करना चाहेंगे कि नहीं। और ये बात सही है कि आईफोन जो कि आज के डेट में एक ग्लोबल सक्सेस है, उसे चुनिंदा डेवलपर्स द्वारा ही बनाया गया था। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जब स्टीव जॉब्स ने आईफोन का आइडिया सोचा था तो उन्होंने अपनी कंपनी के सारे एम्प्लॉयज को ये बात क्यों नहीं बताई? इसमें आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट से प्लीज बताना।